कैसे हो आप सब? होप करते हैं बढ़िया ही होंगे। हाँ जी बढ़िया होंगे। तो आज बहुत दिनों के बाद, क्या ऐसा लग रहा है सालों के बाद हम लोगों ने ब्लॉगिंग की है स्टार्ट। तो अभी जा रहे हैं कहीं पे घूमने और बारिश, बाहर का हाल बहुत ही खराब है। ये देखिए आगे बारिश की वजह से पूरा कीचड़ और ये सब हुआ रखा। तो चलिए मिलते हैं आपको, दिखाएंगे आगे कहाँ जा रहे क्या है। बच्चों को लेके जाना था एक जगह पे, वहीं पे जा रहे हैं हम लोग। तो मिलते हैं गाइस, बने रहिए अपने चैनल पे, देखते रहिए अपनी वीडियो। हेलो गाइस, तो अभी हम लोग आ रहे हैं एक मॉल में आए हैं। यहाँ पे बच्चों का कुछ शो चल रहा है तो वही देखने आए हैं, जो करेक्टर रहते हैं। तो ये देखिए ये लोग एक्साइटेड हैं, तो अभी आपको दिखाते हैं। वो सामने ही है। कैसा था शो काम्या? मज़ा आया? इन्जॉय किया ना काम्या ने? मुकुंद तो अपना यहाँ पे पता नहीं क्या कर रहा है। आपको आपको कैसा लगा? सही टाइम पास है ना बच्चों का। चल चलते हैं, रश देखो कहाँ पे लगा हुआ है। मुकुंद ने अपना एक स्लिंग बैग लिया है नया, स्पाइडरमैन वाला। तो ये भाई साहब अपनी सेटिंग करने में लगा हुआ है। गाइस इतने दिन से सब बीमार पड़े हुए थे, तो हम लोग मॉल वगैरह में किधर भी आए नहीं। तो आज बहुत दिन के बाद आके थोड़ा हेल्थ भी सही है, तो सही लग रहा है और दिल कर रहा है घूमने का। और बच्चों के भी अभी आज कल दोनों दिन छुट्टियां हैं, आज सैटरडे कल संडे। तो आपको भी दिखाते हैं, ये मॉल अपने घर के पास ही है, तो यहीं पर बच्चों का शो था, वहीं पर हम लोग देखने आए। शॉपिंग कुछ नहीं करनी है हमको, बस ऐसे देखने आए हम लोग बच्चों के शो के चक्कर में। थोड़ा बहुत तो लिए, एक विंडो शॉपिंग होएगी तो होएगी, क्योंकि सेल लगी रहती है यहाँ पे कुछ ना कुछ, दुबई और शारजा में भी। तो यहाँ पे सेल है, देखते हैं अगर कुछ बढ़िया पसंद लगे। जब कुछ डिसाइड नहीं होता है ना, तो ऐसे ही ले लेती है, उसको विंडो शॉपिंग बोलते। ठीक है गाइस, देखते रहिए। जा रहे बेटा अंदर जा रहे, मेज बना हुआ है मिरर का, मेज़ तो बहुत ही अच्छी गाइस। ये देखिए डेकोरेशन है, ये यहाँ पे आउटडोर सर्दियों में लगता है ये पूरा मेला टाइप। तो लोग, बहुत सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे। हम लोग भी, हमारे घर के पास ही है बट आते नहीं है रात को। अभी थोड़ी तबीयत ठीक है, अभी मैंने जैकेट नहीं पहनी, मैं जैकेट पहनूंगा, ठंड लग रही है। तो यहीं से फिर जैकेट वैकेट पहनता हूँ मैं, तो आपको भी दिखाते हैं नज़ारा। चलते बेटा, ये देखिए ये पूरे पैक हो चुके हैं, मैं भी जैकेट पहन लिया, ठंड लग रही है। गाइस ये कुछ प्रोग्राम वगैरह के लिए स्टैंड बना हुआ है यहाँ पे, राहिया विंटर गार्डन। द प्लाजा लिखा है बेटा, अच्छा बनाया हुआ है यार। यहाँ पे बैठ के आराम से फूड ट्रक लगे हुए हैं, देखो फूड कार्ट। गाइस ये देखिए मस्तियाँ कर रहे हैं बच्चे यहाँ पे, पूरा मेला लगा हुआ है यहाँ पे। गाइस बाहर ठंड लग रही है यार, मेरे को लगा था इतनी ठंड नहीं है, मॉल में इतनी ठंड नहीं लग रही थी, यहाँ पे बहुत ठंड है। तो ये देखिए ठंडे हाथ लगा रहे हैं उसके मुंह पे।
भी लगाएंगे। अच्छा बना हुआ यार बट विंटर के लिए, यहाँ पे ये गाड़ियाँ ड्रॉप ऑफ पॉइंट है यहाँ पे, तो कह रहे हैं यहाँ आया सिटी सेंटर है ना, तो इसका नाम रखा हुआ है यहाँ आया विंटर गार्डन, और आउटिंग के लिए बहुत ही अच्छी जगह लग रही है। हमारे घर के पास ही है लेकिन हम आ नहीं पा रहे थे। कल तो बहुत बारिश थी, भयंकर बारिश चल रही थी कल भी। ओपन कर दिया इन्होंने ना। प्रॉब्लम ये हुआ ना, हम लोग की तबीयत खराब थी सबकी, तो जैसे ही अभी तबीयत सब ठीक हुई तो आज हम लोग आए सही से, मतलब मॉल में घूमे, नहीं तो ये अपनी कैप को टाइट कर रहे हैं बाहर। फायदा है ये हुडीज का, यहाँ पे इस बार हम लोग की जैकेट ये लव सब पहनी है, इसने भी एक ली थी रितु ने, हम लोग पहले सोच रहे थे कि ये पहनने वाली नहीं है जैकेट, बट यहाँ पे जैकेट भी पहननी पड़ी यार, बहुत ठंड हो रखी। देखो मेरा निंजा मास्क, हम मेरे को मेरा निंजा सूट, निंजा देख लीजिए सर, निंजा मास्क बच्चे का, ये इसकी बियर बनाया हुआ है। पैर ना डालो पानी के, टच करके देखो मम्मा पानी। ये आया सिटी सेंटर, वापस अंदर जा रहे हैं हम लोग अभी, यहाँ से सामने अंदर घुसने का रास्ता। अब चलो इस मुकुंद तो बाहर कितने और का, इसको कुछ खाना है और बाहर और जाने के लिए बोल रहा है। अभी टाइम कितना हो चुका है, ऑलमोस्ट 10:30 हो गए, तो ये भाई साहब को अभी और कहीं जाना है। भाई साहब हम घर जाएंगे अभी, तो क्या आर्ट दिखा रहे हैं मुकुंद अपने हाथों से? पता नहीं क्या क्या आर्ट दिखाता रहता है ये बंदा। ये आ गए दोनों, कहाँ गए थे, पीछे कहाँ रह गए थे? हाथ कितने कर लिए थे पागल पापा। अरे भगवान पापा, पुराने जमाने में डॉग वुल्फ लिखते थी। अच्छा, और तू कैसी दिखती थी पुराने जमाने में? दादी अम्मा जैसी। बताएगा कैसे दिखती। ये अफ्रीकन था, करिए एक बारी फिर। ये देखिए उसका भी आगे डांस पीछे से, डांस करने में महारत हासिल कर ली इसने अभी। पिंक कलर के ग्लव्स पहन के आई है लड़की, टोपी क्यों उतार रहे हो उसकी? तो ये यहाँ पे गाइस प्रोग्राम चल रहा था ना निकोलोडियन का, आई थिंक 200 ग्राम की परचेज में आपको कुछ अंदर बच्चों को एक्टिविटी थी, बट बंद हो चुका है अभी। तो हमने स्टार्टिंग में शो देखा थोड़ा सा, डोरा पाव पेट्रोल स्पॉन्ज बॉब और क्या था, शिमर एंड शाइन वीडियो बनाई थी ना। हाँ आपको क्लिप्स दिखाएंगे इसकी बच्चों के इवेंट की। तो हम लोग जा रहे बस अभी गाड़ी में वापस यहीं से, इनको कुछ खाना है, भूख लगी है, देखते हैं क्या खाते हैं। तो ये इस मॉल का सेंटर है एक्चुअल में, सेंट्रल गैलरीज गैलरिया क्या लिखा हुआ था कुछ, तो यहीं पे सारी महंगे महंगे ब्रांड भी रहते हैं। फिलहाल हम लोग गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, तो मिलते हैं आपको। अभी वो भी आ गई, ये क्या है गामिया? चिकन चिकन है इसका। गाइस गाड़ी अपनी उधर से सीधे जाके हम लोग को बेसमेंट में जाना पड़ेगा यहाँ पे नीचे, तो ट्रॉली आगे से नीचे है जाने का रास्ता, आ जाओ। सब जगह पे सेल लगी हुई है, ये देखिए यहाँ पे भी मैंगो करके ब्रांड है, इसके भी 30-70% डिस्काउंट। गाइस ये सामने इन लोगों ने एडवर्टाइजमेंट वाला टीवी लगाया ना, इसमें दिखा रहे हैं, ये देखिए जो बच्चों का शो चल रहा था स्पॉन्ज बॉब और ये डोरा गाइस नीचे जा रहे हैं अभी गाड़ी के पास, और इनको पता नहीं कहाँ से निकलना है, ये देखिए बच्चे क्यों चढ़ रही थी, दोनों पंगे लेते रहते हैं। निकुल ने आज ये स्लिंग लिया ना, स्लिंग नहीं है।
वेस्ट बैग गाइस, इनको कपड़ों की पड़ी है। वो बोल रहे ये तुम आप ऑफिस में पहन के गए थे, ये बहरीन पहन के गया, मैं काम के लिए जाता हूँ तो बच्चों की अपनी कन्वर्सेशन चलती रहती है। तो गाइस पार्किंग में आ गए अभी, यहीं से हम लोग अपनी गाड़ी आगे खड़ी है यहीं पे, यहीं से गाड़ी में जा रहे हैं। गाड़ी लगी हुई है अपनी वहाँ पे लेवल 1 रो 5 में। लेट्स सी, ये देखिए कैसे भाग के गए। मैंने ट्रॉली खोली भी नहीं है और भाग के जा रहे हैं दोनों। ये खड़ी है बीस्ट मुस्टैंग, ज़बरदस्त लग रही है, मॉडिफाई करवाई हुई गाड़ी है ये। और इधर रूबीकॉन खड़ी हुई है, रेंगलर जीप। बड़ी वाली जीप है, आगे रेडिएटर दिख रहा है भाई, पक्खा भी दिख रहा है उसका। अभी हमारी मैडम आ रही पीछे ट्रॉली लेके, पीछे रखेंगे इसको अपनी गाड़ी। ये देखिए हमारी बोबड़ी आगे से पीछे आ गई, ये पीछे बैठ के जाने वाली है। ये देखिए डिग्गी में डाल दो, बहुत सेफ है। इसका सामान पड़ा होगा गाड़ी में पहले से। ये देखिए ना, थोड़े प्लेट्स भी पड़ी रही, तो ये भी डाल ली। एक और थैला है अपने पास, चल रहा है।